यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है एक्सल गैंग और बावरिया गैंग का ये बदमाश है। हाईवे पर एक्सल फेंक कर लूटपाट करते थे ये बदमाश, और उसके बाद यात्रियों से दुर्व्यवहार भी करते थे। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड जैसे कई प्रदेशों में इन्होंने लूटपाट की हुई थी, और इन बदमाशों से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है एक्सल गैंग और बावरिया गैंग का ये बदमाश है। हाईवे पर एक्सल फेंक कर लूटपाट करते थे ये बदमाश, और उसके बाद यात्रियों से दुर्व्यवहार भी करते थे। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड जैसे कई प्रदेशों में इन्होंने लूटपाट की हुई थी, और इन बदमाशों से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है एक्सल गैंग और बावरिया गैंग का ये बदमाश है। हाईवे पर एक्सल फेंक कर लूटपाट करते थे ये बदमाश, और उसके बाद यात्रियों से दुर्व्यवहार भी करते थे। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड जैसे कई प्रदेशों में इन्होंने लूटपाट की हुई थी, और इन बदमाशों से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है एक्सल गैंग और बावरिया गैंग का ये बदमाश है। हाईवे पर एक्सल फेंक कर लूटपाट करते थे ये बदमाश, और उसके बाद यात्रियों से दुर्व्यवहार भी करते थे। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड जैसे कई प्रदेशों में इन्होंने लूटपाट की हुई थी, और इन बदमाशों से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है।